दोस्तों, अब हम जानेंगे कुंडली के 12 भाव हमें क्या क्या सूचना देते हैं और 12 भाव को जानकर हम अपने सुखों का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे कुंडली का प्रथम भाव हमारी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है, तो प्रथम भाव की अनुकूलता लेकर हम क्या कोशिश करते हैं, प्रथम भाव की अनुकूलता लेकर अपने शरीर की इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुंडली का दूसरा भाव, इसको माया स्थान और परिवार का स्थान कहा गया, तो खानदानी एसेट्स का स्थान है और इसके साथ ही कुटुंब का स्थान है। कुटुंब के स्थान के अलावा वाणी और दया नेत्र, इसको भी रिप्रेजेंट करता है ये थर्ड भाव। तो यहाँ से हम अपने इन क्षेत्रों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तीसरा हाउस हमारे करेज को, हमारे साहस को और हमारे सपोर्टर्स को बताता है। और इसी के ठीक सामने सातवीं दृष्टि इस भाव में बैठे ग्रह की पड़ती है, नौवें घर पर। तो हमारे साहस से ही हमारा भाग्य खुलता है, तो भाग्य का खाना नौवा इसके ठीक सामने पड़ता है। फिर चौथा भाव बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे नरिशमेंट का, हमारे घर और हमारी माता जी और हमारे सुख हैप्पीनेस को बताता है। मूलतः ये चंद्रमा का भाव है। अब हम पांचवें भाव की बात करते हैं। पांचवा भाव हमें बताता है हमारे माइंड की स्थिति, हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन और विवाह के उपरांत हमारी संतति को बताता है, हमारे करियर को बताता है। फिर हम आते हैं छठा भाव। 6, 8, 12 मैलिफिक हाउस हैं, जिसमें छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु और इनका इलाज ढूंढते हैं। 8वां भाव कष्ट, चिंता, मृत्यु और 12वां भाव मोक्ष का और हमसे दूर जाने वाली चीज़ों का व्यय स्थान बोला गया। अब हम बात करते हैं 7वें भाव की। 7वां भाव धर्मपत्नी का या पति का, और 7वें भाव से हम अपने पार्टनर का भी पता लगाते हैं, बिजनेस में व्यापार की स्थिति और उसका पार्टनर और डेली रूटीन का भी 7वां ही भाव है। 10वें भाव में हम बात करते हैं अपने कार्य क्षेत्र की, पिता की, अपने अधिकारों की और अपनी कार्मिक एफिशिएंसी कि हम कितना कर्म कर सकते हैं। तो कर्म और राज्य, इसको डिपिक्ट करता है आपका 10वां भाव। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपका इनकम और नेटवर्क का क्रिएशन, जिससे इनकम आनी है। अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसके फॉलोअर्स का यहाँ से पता चलता है। तो नेटवर्क का हाउस है, इनकम का हाउस है, लाभ, मित्र और बड़े भाई का हाउस भी यही है। 12वें भाव के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से हम कुंडली के 12 भावों से या इनमें अपने इन भावों को अपने अनुकूल बनाकर जन्मपत्र से अधिक सहायता ले सकते हैं। और सभी के लिए हमें शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए और अधिकाधिक पेड़ लगाकर और पशु पक्षियों को चारा आदि खिलाकर तथा कमज़ोर लोगों की सहायता करके समाज को और प्रकृति को और पर्यावरण को संरक्षित करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ।